हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक एसएससी जीडी रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे, 75 पैसे, 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है और कुल धन 1008 रुपये है। तो 25 पैसे सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिक्कों वाला सवाल कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात 5:9:25 है। अब देखना है कि दोस्तों 1 रुपए में एक ही सिक्का होता है, 50 पैसे के दो सिक्के मिलके 1 रुपए बनता है। इसी तरह 25 पैसे के चार सिक्के मिलके 1 रुपए बनता है, चार सिक्के मिलके। तो 2 और 4 का एलसीएम 4, 1 चौक 4, 4 पंजे 20, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 4 एकम 4, 25 एकम 25, इनको जोड़ेंगे तो 8 ने 5 13, 3 असला 1, 3 1 4 2 6 बटा 4 बराबर 1008। तो यहाँ अगर एक से अगर लेते हैं अपन तो एक बराबर हो जाता है 1008/63×4 हो जाता है। अब एक तिवारी में घटेगा 6 16 16 48। देखो 16 ये एक बार और 16 बार में घटेगा कि 16 48 का 8 असला 4, 16 96 400 और 16 को गुणा 4 में 16 64, यानी कि 1 बराबर 64 आएगा। ठीक है, अब अपनों को ज्ञात करना है 25 पैसे वाले सिक्के जिसका अनुपात है 25। तो 64 × 25, तो 25 चौक 100 कितना होगा, 100 की सीप पर हासिल आया 10, 25 छंग 150 और 10 160, यानी कि 1600। तो 1600 के लिए सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में अनुपात है 5:2। देखो 35 लीटर इसमें मिल्क एंड जो वाटर है इनका जो अनुपात है वो 5:2 है। ठीक है, कह रहे इसमें कितना दूध और डाला जाए, दूध यानी कि मिल्क ऐड करेंगे, 5 लीटर दूध ऐड कर रहे हैं, इसमें दूध डाला जाए तो नए मिश्रण दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो ये देखना है कि इसमें अपना मिल्क कितना है, मिल्क निकाल लेते पहले। देखो तो 35 × मिल्क का अनुपात कितना है 5, और 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 7, 7 से काटा 7 और 5 35, 5 5 25 लीटर, ये तो मिल्क हो गया। तो वाटर कितना है, तो 25 ये हो गया, तो वाटर कितना बचा 10। ठीक है ना, वाटर कितना लीटर है 10 लीटर, 10 तो 15 25 10 35 लीटर। अब ये यू कह रहा है कि जो मिल्क है इसमें 5 लीटर और मिला जाए तो 25 लीटर, तो ये 5 और जोड़ दिए कितना हो गया 30 लीटर हो गया, और ये कितना 10 लीटर है। तो जो मिल्क है और जो वाटर है इनका जो अनुपात 0:0 कट गया, बराबर 3:1 होगा। तो 3:1 बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।